Welcome dear students, we are doing very interesting, easiest and smallest chapter of macroeconomics, that is money. According to latest syllabus, we have to do only two topics from this chapter. First one is definition of money, second one is measures of money supply. So let's start the chapter with definition of money. Definition kya hai money ki? Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payments. According to this definition, we have to understand four things. First one kya hai? Medium of exchange. First one kya hai? Medium of exchange. ये देखिए इस डेफिनेशन में आया ना फर्स्ट थिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहले आपको एक्सचेंज को क्लियर करना पड़ेगा. एक्सचेंज होता है किसी एक चीज के बदले में दूसरी चीज का मिलना. इसका मतलब क्या है? जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में क्या था? गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. दैट्स व्हाई इट वॉज कॉल्ड एज सीसी इकोनॉमी. तो उसमें क्या था? विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये जो एक्सचेंज था ये धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट होने लगा, कॉम्प्लेक्स होने लगा. तो इसके फिर इसके ड्रॉबैक्स, बार्टर सिस्टम के बहुत सारे लिमिटेशंस हो गए, ड्रॉबैक्स हो गए. दैट्स व्हाई कि मनी की एवोल्यूशन हो गई. तो मनी की एवोल्यूशन ने क्या किया? जो एक्सचेंज था उसको बहुत ईजिली क्या कर दिया? पॉसिबल कर दिया. सो मनी क्या है? मनी इट कैन बी यूज टू मेक payments for all transactions of goods and services. जितने भी हम goods and services purchase करेंगे उसके बदले में हम क्या दे देंगे? Money दे देंगे और वो हमें चीज़ें मिल जाएंगी. और money हमने दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? Exchange जो है वो possible हो गया. Let's take an example. आप market में जाते हो, market में आपके पास, आपके pocket में suppose करिए 1000 rupees हैं, 1000 rupees हैं आपकी पॉकेट में और आपने उसमें से क्या खरीदा है? आपने बाय करा है, इसमें से कॉपीज बाय करी हैं, शूज़ बाय करे हैं या फिर क्लोथ्स बाय करे हैं या फिर अदर गुड्स बाय करी हैं. जितना भी कुछ बाय करा है, इसका मतलब क्या है? 1000 rupees में आपको जो भी चीज़ें मिली हैं वो क्या है? आपने 1000 rupees उनको दिए तब भी आपको ये चीज़ें मिली हैं. इसका मतलब एक्सचेंज पॉसिबल हुआ है ड्यू टू ओनली मनी. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू. मनी मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है कि मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस. इसका मतलब क्या है? मनी में क्या है? कॉमन डिनोमिनेशन है. मीन टू से डिनोमिनेशन का मतलब क्या है? जैसे पेपर नोट्स है, उसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है कि ये 5 rupees का नोट है या 10 rupees का नोट है, 50 rupees का है, 100 क्या है या फिर 500 and 2000 rupees का नोट है. इसका मतलब क्या है? ये कॉमन डिनोमिनेशन, ये सभी जो मनी है, ये वाली मनी जो है जनरली हर एक जगह में क्या होगी? एक्सेप्टेबल होगी. अगर इसको हम फियट मनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फियट मनी. फियट मनी मीन टू से ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की गई है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू हुई है, इसलिए ये जनरली क्या है? एक्सेप्टेबल है. तो इन टर्म्स ऑफ मनी हर एक चीज़ की एक वैल्यू को डिटर्मिन किया गया है. जैसे आपको 1 kg राइस है सपोज करिए, वो आपको 100 rupees मिल जाएंगे, 100 rupees में 1 kg मिल जाएंगे. या एक कॉपी है, 1 copy जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है? सपोज करिए 50 rupees है. बुक की वैल्यू क्या है? बुक की वैल्यू 500 rupees है. या एक कार की वैल्यू जो है वो क्या है? 5 lakhs है. इसका मतलब क्या है? मनी की वजह से ही जो मेजरमेंट है वो ईजिली पॉसिबल हुआ. जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स हैंडल होते हैं वो ड्यू टू मनी ही होते हैं. इसका मतलब मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. थर्ड पॉइंट क्या आ गया? स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन टू से मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं. मनी को हम क्या कर सकते हैं? इजीली स्टोर कर सकते हैं. आप बहुत सारी पैसे जो है आप एक लॉकर में बंद करके रख सकते हो या फिर आप बैंकों में डिपॉजिट करा सकते हो. ये जो सेविंग्स हैं,
वो क्या है, एज अ स्टोर है हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए. फ्यूचर नीड्स के लिए हमने क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया है. जो कि आपको पता है कि मनी कैन बी इजिली पोर्टेबल, सो दैट्स वाई मनी को हम इजिली स्टोर कर सकते हैं. फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब है जो आपने फ्यूचर में, जिनकी आपने जो पेमेंट्स आपने फ्यूचर में करने हैं. लाइक आपने किसी से उधार लिया है, विद इंटरेस्ट आपने वो पैसा वापस करना है. इसका मतलब क्या है, मनी जो है वो पैसा आपका वापस मतलब करने में हेल्प करेगी विद इंटरेस्ट. इसका मतलब वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है. या आपने कोई ट्रांजेक्शन्स की हैं या गुड्स बाय करी हैं, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है, गुड्स की डिलीवरी तो आपको मिल गई है, लेकिन आपने उसकी जो पेमेंट्स है वो इन फ्यूचर करनी है. इसका मतलब वो विद द हेल्प ऑफ मनी क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी. सो मनी की डेफिनेशन में हमने चार चीज़ें क्या क्या की हैं. सो मनी की डेफिनेशन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक जो है वो है मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public at particular point of time in an economy. It mean to say at particular point of time. तो जब भी particular point of time word आएगा, इसका मतलब ये कौन सा concept होगा, stock concept होगा, ये stock variable होगा हमारा. तो इसमें क्या है, stock का मतलब क्या है, proper date के ऊपर आपको कोई भी चीज़ पूछी जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो stock concept होगा. जैसे आपको money supply के बारे में पूछा जाए कि पूरी economy में इस date पे कितनी money है, तो वो हम बता सकते हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, स्टॉक कंसेप्ट होगा. सो मनी सप्लाई में हमने क्या क्या इंक्लूड करना है, जो जनरल पब्लिक के पास पैसा है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसके पास जो पैसा है, या जितनी भी बिजनेस फॉर्म्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उनके पास जितना पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा. यानी कि जो मनी यूजिंग सेक्टर है उनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा. जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, लाइक गवर्नमेंट्स है या कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा. सो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको कि मनी सप्लाई में हमने सिर्फ वही पैसा इंक्लूड करना है जो कि मनी यूजिंग सेक्टर, जो मनी को यूज करते हैं. ठीक है जी. इसके बाद है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, सो मेजर्स कौन कौन से हैं, तो ये हैं फोर मेजर्स हैं. फर्स्ट वन इज M1, सेकंड M2 एंड नेक्स्ट जो है वो है M3 एंड M4. तो M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मेजर्स कितने हैं, फोर. सबसे पहले हम M1 का करेंगे. M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये है C प्लस DD प्लस OD. ये सी क्या है, करेंसी. सी मीन टू से करेंसी. करेंसी जितने भी कॉइन्स हैं या पेपर नोट्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इसमें. इसको भी हम क्या बोलते हैं, फियट मनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फियट मनी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की गई है. फिर इसके बाद आ गया डिमांड डिपॉजिट्स. ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विदड्रॉन बाय द इंडिविजुअल्स. मीन टू से जैसे अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको एक चेक बुक इशू करके दी जाती है, तो चेक बुक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी को भी चेक दे देते हो, तो वो चेक जो है वो क्या करवाया जा सकता है, विदड्रॉन करवाया जा सकता है. तो इसका मतलब वो भी मनी सप्लाई के M1 पार्ट पे इंक्लूड होगा. फिर इसके बाद आ गया अदर डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या इंक्लूड होना है, अदर डिपॉजिट्स में आएगा DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI. डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI, इसमें जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक नबार्ड वगैरह है, उनका जो पैसा है जो RBI में पड़ा है, उनके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो वो वाला पैसा OD में आएगा. और साथ में आएगा DD विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स का जो पैसा है वो भी RBI के पास है, वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा. फिर क्या होगा,
जितना भी IMF का या वर्ल्ड बैंक का पैसा है वो RBI के पास है, वो सारा क्या है, मनी सप्लाई का ही एक पार्ट है जो कि M1 में इंक्लूडेड है. तो क्लियर हुआ, मनी में M1, मनी सप्लाई में M1 पार्ट में क्या क्या इंक्लूड है, C+DD+OD. सी में हमने लेना है करेंसी एंड पेपर नोट्स, और DD में हमने डिमांड डिपॉजिट्स लेने हैं, और जो थर्ड OD है, OD में जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है RBI में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं या फॉरेन गवर्नमेंट्स का पैसा है या IMF का और वर्ल्ड बैंक का पैसा है, वो सारा क्या होगा, M1 में इंक्लूड होगा. फिर इसके बाद आता है M2. M2 में क्या क्या इंक्लूड होना है, M2 में फर्स्ट वन जो M1 है ये सारे का सारा तो इंक्लूड होना ही होना है. साथ में हम क्या इंक्लूड करेंगे, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट. अब कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सेविंग जो है वो पोस्ट ऑफिस में करी होती हैं, उन्होंने पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट खुलवाए होते हैं, लेकिन वो चेकेबल डिपॉजिट्स के थ्रू, डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू विड्रॉ नहीं करवाए जा सकते, लेकिन वो क्या है, मनी सप्लाई का पार्ट है, वो M2 में इंक्लूड होगा. तो M2 में क्या क्या इंक्लूडेड है, M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट. फिर इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज M3. M3 में क्या क्या इंक्लूड होना है, M1 इंक्लूड होगा, प्लस क्या आ जाएगा, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स. टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, लाइक जिनको हम एक फिक्स पीरियड के बाद ही विड्रॉन करवा सकते हैं, वो होते हैं टाइम डिपॉजिट्स. तो जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हैं एंड M1 है, इन सबको प्लस करके क्या बन जाएगा, M3. फिर इसके बाद आता है M4. M4 में क्या क्या इंक्लूडेड है, M3 प्लस क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस अदर देन NSE. जितना भी पोस्ट ऑफिस के पास टोटल डिपॉजिट्स है और M3 है, लेकिन उसमें से हमने NSE को एक्सक्लूड करना है, वो क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, उनको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है. तो जो जो मनी सप्लाई है, इसमें जो M1 है और M2 है, ये क्या है, नैरोर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई है, नैरोर कंसेप्ट है. लेकिन जो M3 एंड M4 है, ये क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है. लेकिन जो M1 है वो क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है, इसको हम इजिली मतलब क्या से कर सकते हैं, विड्रॉन करवा सकते हैं, इसको इजिली यूज कर सकते हैं. लेकिन जो M1 है वो क्या है, लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी. सो आई थिंक सो मनी सप्लाई भी आपको क्लियर हो गया है एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी क्लियर हो गया है. So this is the end of the chapter. If you like my videos, keep watching my videos and take care and thank you so much. Bye bye.